साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों मैं हमेशा आप लोग को बोलता हूं कि सकारात्मक सोच रखें, ठीक है? अगर सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी, और तकलीफें वो रहेंगे, तकलीफों के बारे में सोचते रहेंगे तो तकलीफें ही आएंगी। जिंदगी में खुश रहना है तो हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। प्रकृति आपको वही देगी जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं। तो मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि आप सभी लोगों को मैं पॉजिटिव रखूं, इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशंस भी देता रहता हूं। अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है पॉजिटिव अफर्मेशन आप सुनते हैं या वीडियो को स्किप करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव अफर्मेशंस जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसे ही वर्क करने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। इसलिए मैं वीडियो के लास्ट में जो पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको देता हूं आप उसे जरूर सुना करें। आपके अवचेतन मन तक ये मैसेज जाता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, और जब पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी आपकी जिंदगी में, खुशहाली आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है? आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों ये प्रयोग मैं आपके सामने इसलिए लाया हूं क्योंकि बहुत ही आजमाया हुआ और टेस्टेड प्रयोग है। मैं आपके सामने वही प्रयोग लाता हूं जो आजमा लेता हूं, जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तब मैं आप लोगों के सामने ऐसी जानकारी लेकर के आता हूं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं। काफी लोगों को मैंने देखा हुआ है कि जो पैसे होते हैं, नोट होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ के जैसे बिल्कुल खिचड़ी बना दी हो ऐसे रखते हैं। तो दोस्तों ये चीजें कभी ना करें। पैसों को हमेशा अच्छे से प्रेस करके उनको हमसे इज्जत के साथ में रखें। आप जितनी पैसों को इज्जत देंगे उतना जिंदगी में आपके आकर्षित होंगे पैसे। अगर आप पैसों को ऐसे तोड़ मरोड़ के जेब में डाल दिया, कहीं भी ठूस दिया, फेंक दिया, तो फिर पैसे आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि पैसे एक एनर्जी है। दोस्तों इस प्रयोग को किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इसमें धर्म का कोई वो नहीं है, हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। अगर धन संबंधित परेशानी से परेशान है, पैसे आकर्षित नहीं हो रहे हैं, धन की बरकत नहीं है, तो इस प्रयोग को हर व्यक्ति कर सकता है, किसी भी करेंसी में कर सकते हैं। दोस्तों पैसे जो होते हैं एक करेंसी है ना, इसमें एक ऊर्जा होती है। आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि इंसान से जुड़ी हुई हर एक चीज में एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। और पैसे जो होते हैं, आप दोस्तों पैसे में एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, ठीक है? आपको यदि पूजा भी करनी है, पाठ करना है, अनुष्ठान करना है, किसी ग्रह के लिए आपको जाप कराना है, दान करना है, किसी भी चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसे भगवान है, लेकिन हाँ भगवान से कम भी नहीं है। जितनी इज्जत, जितनी रेस्पेक्ट आप भगवान को करते हैं, अगर भगवान की कहीं फोटो आपको पड़ी मिल जाए तो आप इज्जत से उठा करके माथे से लगाते हैं। कभी पैसों को अपने माथे से लगाया? कभी पैसों को आपने धन्यवाद किया? नहीं किया। पैसों को जितना धन्यवाद करेंगे उतना आपकी जिंदगी में पैसे आकर्षित होंगे। हमेशा जब भी पैसे आपके पास में आते हैं उनको माथे से लगाइए, हृदय से लगाइए, ओठों से लगाइए, धन्यवाद करिए। जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं किसी भी चीज में, हमेशा पैसों को धन्यवाद करिए, मन ही मन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपकी वजह से मुझे इस चीज की प्राप्ति हो रही है। हमेशा जितना ग्रेटफुल रहेंगे पैसों को लेकर के, पैसे आपकी जिंदगी में आकर्षित होंगे। अगर पैसों को आप तोड़ के मरोड़ के और ऐसे रखेंगे और वो पैसा जब कहीं जाएगा तो आपकी जिंदगी में जो और आने वाला पैसा होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा। और जब पैसों को प्रेस करके, माथे से लगा के, हृदय से लगा करके चूमेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो वो पैसा जहां जाएगा वहां से 100 गुना पैसों को आकर्षित करके आपकी जिंदगी में लाएगा। पैसों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम है हमेशा ग्रेटफुल रहें, आभारी रहें पैसों को लेकर के। नित्य प्रति एक नियम बना लीजिए कि दिन में एक बार पैसों को देख करके उनको धन्यवाद करेंगे ही करेंगे। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पैसा आने लगेगा। और आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं ये प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, हर धर्म का व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। तो जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूं, देखिए मेरे पास में जानकारी होती है
मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करता हूँ। इसलिए करता हूँ जब आप लोग इस रेमेडी को करेंगे तो इसका जो पुण्य है, जो लाभ है, वो मुझे भी कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। और आप लोग जब किसी जरूरतमंद को इस जानकारी को शेयर करेंगे और जब उसकी तकलीफें दूर होगी, जब वो इस उपाय को करेगा, तो उसका पुण्य, उसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। तो शेयर करना यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पे, विचारों पे डिपेंड करता है। आपको करना है कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते हैं। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में और अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, सब जगह शेयर कर सकते हैं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, है ना दोस्तों। तो शेयर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रयोग को पूर्णमासी के दिन में करना है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देता है। आपको करना क्या है, 6 नींबू लेकर के आने हैं, अच्छे नींबू लेकर के आए, फ्रेश नींबू, ठीक है। नींबू लाने के बाद में आपको क्या करना है, इनको बीच से कट करना है, खड़ा नहीं काटेंगे, आड़ा कट करना है। हर एक नींबू से एक एक बीज आपको निकाल लेना है। इस प्रयोग को दोस्तों पूर्णमासी के दिन में, जब पूर्ण चंद्रमा आसमान में दिखाई देगा, मून लाइट में, चंद्रमा की रोशनी में, इस प्रयोग को आपको करना है। अपने घर में कर सकते हैं, छत में जाकर के, टेरेस में बैठ करके कर सकते हैं, ठीक है, या कहीं भी ऐसे जगह देख लें, मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। घर में छत नहीं है तो आंगन में वगैरह में बैठ जाएं, या किसी मंदिर में चले जाएं, शिव मंदिर में चले जाएं, वहां पर बैठकर इस प्रयोग को कर सकते हैं। नदी किनारे बैठ करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक छोटी सी प्लेट ले लें, उसमें एक व्हाइट कलर का कपड़ा बिछा लें, रेशमी कपड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। नीचे अगर सफेद रंग का आसन है और सिर पर सफेद रुमाल डाल लें और सफेद कलर के वस्त्र पहन लेते हैं तो सोने पर सुहागा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक प्लेट बिछाएंगे, उसमें 6 नींबू के दाने रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आपको 7 दाने लेने हैं चावल के, जो कि अखंडित होंगे, टूटे फूटे ना हो। इनको आप कुमकुम से लाल कर लेंगे, ठीक है। जब लाल हो जाते हैं तो 6 दाने इसमें डाल देंगे। 7 चुटकी आपको क्या करना है, सॉरी दोस्तों, 7 चावल के दाने डालने हैं, ठीक है, और 7 चुटकी आपको कुमकुम इसमें डाल देना है। कुमकुम आपने डाल दिया, इसकी पोटली बना देंगे, 2 गांठ लगा देनी है आपको, ठीक है। अब आपको सीधे हाथ में इसको लेकर के हृदय में लगाएंगे, चंद्रमा की तरफ देखेंगे, 21 बार ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। ओम श्रीम श्रियै नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करेंगे और चंद्र को देखते हुए ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। जब जाप पूरा हो जाता है तो चंद्रमा को देखते हुए, ठीक है, महादेव से, विष्णु भगवान से, माता लक्ष्मी से, कुबेर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा पूर्ण है, तो इसी तरीके से मेरी जिंदगी में धन संपूर्ण रूप से बना रहे, कभी भी मेरी जिंदगी में धन की कमी ना आए, हमेशा मैं पूर्ण रूप से धनवान रहूं, पूर्ण रूप से अमीर रहूं, मेरी जिंदगी में पूर्ण रूप से धन बना रहे। जैसे आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहा है पूर्ण रूप से, वैसे ही मेरी जिंदगी में पूर्ण रूप से धन का आगमन बना रहे, ऐसी प्रार्थना कर लें, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद में आसन से उठ सकते हैं। उसके बाद में महिलाएं यदि इस प्रयोग को कर रही हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, अशुद्धि वाले दिनों में इस प्रयोग को नहीं करना है, ठीक है, शुद्धि की हालत में इस प्रयोग को करना है। और जब ये आपके वो हो जाता है, प्रयोग कंप्लीट हो जाता है, तो इसको रात में पूजा स्थान में रख दें, दूसरे दिन अपने पर्स में रख लें। महिलाएं भी पर्स में रख सकती हैं, पुरुष भी पर्स में रख सकते हैं। दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में कहीं ना कहीं से पैसे आपकी जिंदगी में आते ही रहेंगे, गारंटी है इस बात की। बस पॉजिटिव सोच रखें अपनी और विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को दोस्तों आप दूसरी बार करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर रख सकते हैं, जो व्यापारी हैं अपने गल्ले में रख सकते हैं, जिनका ऑफिस वगैरह है तो ऑफिस के अपने गल्ले में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज का याद रखना है कि अशुद्धि वाले दिनों में इसे आप अपने से दूर रख देंगे, पूजा स्थान में रख देंगे और शुद्धि की हालत में फिर से अपने पास रख लें। जहां पे जन्म होता है, जहां पे मरण होता है, वहां पर इसको लेकर के नहीं जाएंगे, नहीं तो इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब भी तामसिक भोजन लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, मांसाहारी चीज ग्रहण करते हैं, इसको पूजा स्थान में रख दें, उसके बाद में दूसरे दिन नहा करके, पूजा पत्री करके फिर से इसको अपने पास रख लें इसको, क्योंकि दोस्तों तामसिक चीजों से इसको दूर रखना है, ठीक है, अशुद्धि की हालत में इसको नहीं छीना है। और जितना शुद्धिकरण से इसको रखेंगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में पैसा आएगा। बहुत ही पावरफुल प्रयोग है, आप करके देखिए, रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा आएगा, कभी भी आपके पर्स पैसों से खाली नहीं रहेगा। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसा उड़ करके आएगा, पैसा आएगा, धन के योग बनेंगे, कोई आप पैसा, जब भी आपका पर्स खाली होगा पैसों से,
कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे योग बनेंगे, आपका कोई काम बन जाएगा और आपके पास में पैसा आ जाएगा। पैसों से संबंधित कभी कभी कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन विश्वास के साथ में करें, पॉजिटिविटी के साथ में करें, आस्था और निष्ठा के साथ में, तब ये वर्क करेगा। जो नेगेटिविटी के साथ में डाउट क्रिएट करके कर रहे हैं, वो लोग इस प्रयोग को ना करें। जिनको पूरा विश्वास है कि हाँ ये वर्क करेगा, वही लोग इस प्रयोग को करें। ये नहीं कि चलो करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो बोल देंगे हमें तो रिजल्ट मिले ही नहीं। ये सब नहीं करना है, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, विश्वास बस रखिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ में। अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसी जानकारी लाता हूं जो टेस्टेड होती है। काफी लोगों को मैंने टेस्ट किया, रिजल्ट अच्छा आया, तब मैं ये जानकारी आपके सामने लाया हूं, ताकि आप लोग भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और हमेशा पॉजिटिव रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।